तो ये है अल्ट्रॉन टर्बो की तरफ से आने वाला एक थ्री मोड हैंडल बार स्विच जो कि टू इन वन है। अनबॉक्सिंग के मामले में यहाँ पे बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा दिया गया। प्राइस यहाँ पे इन्होंने 999 शो किया हुआ है और 1 यूनिट इसके अंदर है, इम्पोर्टेड चीज़ है ये, ठीक है। ये इम्पोर्ट किया गया कहीं बाहर से, इन्होंने बकायदा यहाँ पर लिख रखा है यूज DC पावर ओनली, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। ओके 12 वोल्ट DC है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स इन्होंने दे रखी है, ठीक। तो हमें यहाँ पे ये क्या मिल रहा है भाई, स्विच का कनेक्शन है, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है ब्राउन वायर को कैसे कनेक्ट करना है, ब्लैक वायर को कैसे करना है, ब्लू वायर को, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बॉक्स में, इसके अंदर हमें हमारा ये स्विच मिल जाता है। स्विच की जो वायर है ये काफ़ी लेंथ है इसकी, ठीक है, ये लेंथ इनफ है, इतनी मिल रही है। इसके अलावा ये है मेटल का पूरा बना हुआ, क्वालिटी अच्छी है इसकी और मैं तो ये कहूँगा अच्छी है, बेस्ट है। और यहाँ पे ये स्विच है टू इन वन, ठीक है, एक यहाँ पे ऑन, यहाँ बीच में ऑफ, यहाँ पे फिर ऑन, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है इसके साथ में एल की, जो कि इसमें नहीं मिली है। और एल की के बिना इसको हम कैसे लगाएंगे, वो चीज़ उसको सोचना चाहिए था भाई जिसने इसको भेजा है। क्वालिटी अच्छी है इसकी, ओके। यहाँ पे ये सर्किट है, इन्होंने दे रखा है, बता रखा है कैसे कनेक्ट करना है। थ्री वायर है इसमें, ब्राउन वायर है कनेक्ट टू सेम येलो वायर फॉर एनी ड्यूल कलर फॉग लाइट एंड देन येलो कलर लाइट्स वर्क ओनली। और ब्लैक वायर कनेक्ट टू पॉजिटिव करंट वायर इनटू योर व्हीकल इग्निशन DC पावर एंड कनेक्ट ब्लू वायर टू रेड कलर वायर फॉर एनी ड्यूल कलर फॉग लाइट। तो सीधी सी बात है, जो ब्लैक वायर है ये है एक तरह से करंट की, जो कि आपको आपकी बैटरी में या फिर जहां भी आप कनेक्शन देना चाहें, मतलब जो इग्निशन के थ्रू कनेक्टर है जिसमें कि पॉजिटिव यानी करंट मिलता है आपको, वो वाली है ये ब्लैक। तो इन्होंने वायरिंग गलत कर रखी, यहाँ पर रेड कलर होना चाहिए था। और ये जो दो कलर हैं ब्लू और ब्राउन, ये दोनों आप किसी एक पॉइंट पे, जो कि आपकी फोग लाइट है उसके एक पॉइंट पे, ये दोनों में से एक एक लगाने हैं, ठीक है। मान लो आपने येलो वाला लगाना है या फिर वाइट वाला लगाना है, वो इनमें से आप चेक कर लेना ऑन ऑफ करके यहाँ पे स्विच में, जिस हिसाब से भी आप सेट करना चाहते हो, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, बाकी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और क्वालिटी मेरे को सही बहुत बढ़िया लगी, इसका मेटल क्वालिटी है तो ये सही है।